हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका भी कोई सजेशन है, कोई भी नज़रिया है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप वो भी एक अच्छी भाषा में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कल जो चीज़ें हुई उन चीज़ों से आप लोग बिल्कुल भी अनअवेयर नहीं हो। जितना मुझे पता है उतना ही आप लोगों को भी पता है, लेकिन पता नहीं ऐसी इंट्यूशन आ रही है या ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही होने की बजाय ना चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं और बिगड़ रही हैं। अब इसका रीज़न क्या है वो मैं इस पूरी वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को डिस्कस करनी है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। लेकिन लिटरली आई एम वरिड, सीरियसली आई एम वरिड। काफ़ी सारे रीजंस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, लेकिन जब मैंने ये चीज़ें नोटिस करी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि चीज़ें सही होने की बजाय, चीज़ें ट्रैक पे आने की बजाय चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं, बिगड़ती चली जा रही हैं, और पता नहीं कि अब कितनी बिगड़ गई हैं। सपना ने साइलेंस रह के हमें और ज़्यादा टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि जब तक इंसान बोलता रहता है तब तक उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके साथ जीवन में क्या चल रहा है, हमें वो अपडेट पता चलती रहती है। लेकिन जब एक इंसान मौन धारण कर लेता है, चुप रह जाता है, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, ये किस चीज़ से सफ़र कर रहा है और इसके लाइफ में क्या चल रहा है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त पे सपना की एक तरीके से अग्नि परीक्षा का टाइम चल रहा है। उसकी लाइफ में हर दिन एक नई अग्नि परीक्षा हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि कुछ लोगों ने सपना की सिचुएशन से रिलेट किया और उसके इस बिहेवियर को अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं कि सपना ने इतने धोखे अपने इस रिश्ते में खाए हैं, और शायद शुरू से इतने धोखे खाए हैं कि अब जो उसका इनसिक्योर नेचर है ना, वो कोई जुम्मा अभी का नहीं है। ये इनसिक्योर नेचर शायद उसका तब से है जब से उसके साथ ये सारी सफरिंग्स होनी शुरू हो गई थी, और जब से उसके लाइफ में वो सब चीज़ें होनी लग गई थी जो चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जिस दिन से वो अपनी लाइफ से रिलेटेड सबूत इकट्ठे करने लग गई थी, अपने प्रोटेक्शन के लिए सबूत जमा करने लग गई थी, शायद उसी दिन से उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी आ गई थी। उसने अपनी लाइफ में शायद उन तमाम प्यारे प्यारे रिश्तों से धोखा खाया है, इसीलिए शायद वो विश्वास उसका टाइम टू टाइम डगमगाता रहता है, क्योंकि सिचुएशन वर्स्ट है। हमें शायद YouTube पे बैठ के इतना 15-20 मिनट के व्लॉग में नहीं पता चलता, और अब सपना ने क्लियरली खुल के बताना भी बंद कर दिया है। लेकिन अगर सपना के मन में इस चीज़ का संदेह आया है तो डेफिनेटली कुछ तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ होगा जो सपना ने आके खुल के नहीं बताया। वरना अगर हम अंशु पे इतना भरोसा कर सकते हैं तो सपना को भी अंशु पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, और इसी भरोसे पे अंशु से मिलने के लिए सपना वहाँ पे पहुँच गई, और उसी भरोसे से सपना ने अंशु को अपने साथ ले जाने के लिए भी बात करी, और उसी भरोसे से सपना हर चीज़ का एक्सेस अंशु को देती है, और अंशु की भी हर चीज़ का एक्सेस सपना के पास रहता है। तो ये इन दोनों का विश्वास एक दूसरे के ऊपर है, और अगर ये विश्वास डगमगाया है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई होगी। हो सकता है जो चीज़ें हमें नहीं पता वो कुछ चीज़ें सपना तक आई हो या सपना को पता चला हो, इसीलिए उसने अंशु पे शक किया। वरना सपना और अंशु का जो रिश्ता है ना, हम लोग यहाँ से सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन सपना और अंशु ने वो भरोसा जिया है, वो भरोसा कमाया है। अब कुछ अजीब सी चीज़ें हुई हैं। मुझे लग रहा था कि ओवरनाइट, कभी कभी इंसान का गुस्सा जब उस पर हावी हो जाता है तो वो तुरंत चीज़ें करने लगता है, बहुत जल्दी एक्शन में आ जाता है। मान लो हमारे किसी नियर फ्रेंड से झगड़ा हो जाए, इनफैक्ट अगर हमारा कभी हमारे हस्बैंड से भी झगड़ा हो जाता है, या शादी से पहले जो इंगेजमेंट पीरियड चलता है, या हम किसी रिलेशनशिप में कमिटेड होते हैं, झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले हम लोग भी क्या करते हैं, व्हाट्सएप से ब्लॉक, इंस्टाग्राम से ब्लॉक, FB से ब्लॉक, ताकि कोई भी बातचीत करने के साधन बंद हो जाए, और हम लोग पोस्ट करने लगते हैं सैड स्टेटस। करते हैं ना अक्सर, आप लोग भी ये ट्रिक करते होंगे, अक्सर मैं भी ये ट्रिक करती हूँ कि जब भी नाराज़ होते हैं सबसे पहले हम उस इंसान को ब्लॉक कर देते हैं।
लेकिन वो ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा ज़िंदगी भर से उस इंसान से रिश्ता ख़त्म हो गया। वो इंसान हमारी ब्लॉक लिस्ट में तब तक पड़ा होता है जब तक हमें उसकी अहमियत या उसको हमारी अहमियत ना पता चले। जैसे ही चीज़ें सॉर्ट होती हैं, वापस से वो इंसान हमारी ब्लॉक लिस्ट से अनब्लॉक भी हो जाता है, क्योंकि वो हमारा दिल के करीब होता है। सपना ने जो इंस्टाग्राम से अंशु को तुरंत के तुरंत अनफॉलो कर दिया, अंशु ने हालांकि सपना को अनफॉलो नहीं किया है, सपना ने अंशु को अनफॉलो किया है। ओवरनाइट उसके दिमाग ने उस समय पे जो कहा जो किया उसने वो चीज़ें करी। और तो और सपना ने अपने जो चैनल है उस चैनल से अंशु के साथ लाइव आप सबने देखी होगी, जिस दिन हम सबको बहुत बुरा फील हुआ था कि आज वो दिन है। एक वो दिन था कि सपना और अंशु की सारी वीडियोस हमने साथ में देखी, सारे मूवमेंट्स एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए सब देखा। और आज ये स्थिति परिस्थितियाँ आ गई हैं कि सपना और अंशु को एक साथ लाइव आने के लिए एक को फ़ोन में रहना पड़ रहा है और एक को इस तरीके से रहना पड़ रहा है। याद होगी आप सब लोगों को वो लाइव भी, तो सपना के चैनल से वो लाइव भी डिलीट हो गई है। इनफैक्ट अभी अगर आप चेकआउट करोगे तो सपना के चैनल में सिर्फ 2 लाइव हैं। सपना ने आई थिंक 2 से 3 लाइव अपनी प्राइवेट कर दी है, जिन लाइव में उसने अंशु से रिलेटेड बात करी और जिसमें वो अंशु के साथ थी, वो लाइव भी प्राइवेट कर दी है। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे इसीलिए वरिड लग रहा है कि नाराज़गी इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ जाएँ। वैसे कोई भी नाराज़गी 1, 2, 3, 4 दिन मानते हैं कि रहती है, 4-5 दिन तक रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, 4-5 दिन तक रहती है। लेकिन तुरंत ये जो एक्शंस लिए जाते हैं, हमेशा नोटिस करना कि जब भी हम ये एक्शन लेते हैं ना, ब्लॉक करने वाला, ये करने वाला, हम उसी इंसान के साथ लेते हैं जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। लेकिन उसके साथ हमारा रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि सपना इस समय जिस सिचुएशन में है और उनके बीच में इस समय पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो हमने अच्छे अच्छे रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे, जितने भी लोग अभी अनमैरिड होंगे और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, कितना ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है एक दूसरे को लेके। पता नहीं हमारा रिश्ता आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, पता नहीं हम शादी तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हर रिश्ते में होती है। जब हम साथ होते हैं तब एक अलग चीज़ होती है, 24 घंटे का साथ। लेकिन जब हम दूर दूर होते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, और वही इन दोनों के बीच में भी हो रहा है। क्योंकि अंशु एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सपना को ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, और सपना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पसंद ना करने का रीज़न भी है और जेन्युइन रीज़न है, वो आप लोग भी जानते हो। लेकिन फिर भी बार बार उनके आगे झुकने का रीज़न सिर्फ सपना के आगे ये है, अंशु। क्योंकि अगर वो उनके आगे नहीं झुकी तो अंशु से उसका मिलना जुलना कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, बात करना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और वो बच्ची है, वो बगावत नहीं कर सकती, वो अपने पेरेंट्स के साथ बगावत नहीं कर सकती। अगर उसके पेरेंट्स ने उसे ये बोल दिया कि कल से तुम इस फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगी, तो वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके उस फ़ोन को छू भी नहीं सकती। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बातें। हर कोई अपने पापा से डरता है, चाहे हम अपने पापा से कितना भी फ्रैंक हो, कितने भी फ्रेंडली हो, लेकिन वो रिश्ते में हमारे पापा ही लगते हैं। और अगर हमारे खुद के पापा मम्मी हमें स्ट्रिक्टली किसी चीज़ के लिए मना कर दें और हमारी उम्र मात्र 14 से 15 साल है, तो हमें वो करने की हिम्मत होगी ही नहीं, हम वो कर ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे जो सपना की सफरिंग्स चल रही है वो भी जेन्युइन है, और वहाँ पे जो अंशु के साथ हो रहा है वो भी प्रॉब्लम में है। जिस तरीके से वो घबराती हुई आई, उसकी घबराहट देख के ये हमें पता है कि उसने नहीं किया। लेकिन अगर सपना इतनी श्योर है और सपना ने इस चीज़ के लिए तुरंत एक्शंस लिए, क्योंकि सिर्फ एक मात्र कमेंट लाइक करने की तो बात थी, कुछ भी बोला जा सकता था, कुछ भी कहा जा सकता था। इतनी छोटी सी बात पे विश्वास जगमगाना थोड़ा सा गले से नीचे बात नहीं उतरी, कि सिर्फ इतनी छोटी बात पे आपको लगता है कि सपना का विश्वास जगमगा गया होगा। अंशु कुछ भी बोल सकती थी कि भाभी मेरे पास नहीं था या किसी और के पास चला गया होगा, तो क्या सपना विश्वास नहीं करती? वो बिल्कुल विश्वास करती, क्योंकि उसके घर का माहौल तो वो भी बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन अगर सपना इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई है,
इतनी ज़्यादा कि उसने अंशु को ब्लॉक कर दिया, अंशु से रिलेटेड अपनी सारी लाइव्स डिलीट या प्राइवेट कर दी, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा आभास हुआ है या कुछ ना कुछ तो उसने विटनेस किया है जिसकी वजह से वो बिल्कुल श्योर है। क्योंकि जिस पैनिक सिचुएशन में आके अंशु ने ये बताया कि मेरा अकाउंट यहाँ लॉग इन हुआ, मेरा अकाउंट वहाँ लॉग इन हुआ, मेरा अकाउंट ऐसे लॉग इन हुआ, अगर वो लॉगिन डिटेल्स उसने सपना को दिखाई होंगी तो क्या सपना उन लॉगिन डिटेल्स को देख के विश्वास नहीं करेगी। लेकिन मैटर ये करता है कि जो अंशु ने बोला, क्या अंशु ने वो सपना को दिखाया? अंशु ने जो बात यहाँ पे कही कि ऐसे ऐसे इतने इतने घंटे के ड्यूरेशन में मेरे लॉगिन अटेम्प्ट हुए हैं, क्या वो सारी स्क्रीनशॉट्स वगैरह उसने सपना को दिए कि भाभी देखो मैं सच बोल रही हूँ, ये ऐसे ऐसे हुए हैं? और अगर उसने सपना को दिखाए हैं तो सपना ने उस पर विश्वास करना ही था। आज की डेट में आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कहीं सुनी बातों पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे इतनी पैनिक स्थिति में अंशु ने बताया, अंशु ने क्या वो चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई कि भाभी ये देखो प्रूफ, ऐसे ऐसे मेरे अटैम्प्ट हुए हैं, और अगर सपना ये चीज़ें देखती अपनी आँखों से तो सबसे पहले उसका अकाउंट को सिक्योर सपना ही करती, और सबसे पहले सपना ही बोलती कि ऐसे ऐसे करो, ये करो, ये हैकिंग अटैम्प्ट हो रहा है। और हैकिंग अटैम्प्ट जिसने किया है उसने सिर्फ सपना से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स को लाइक किया। ऐसा कोई हैकिंग अटैम्प्ट आपने आज तक सुना है, आज तक देखा है कि किसी के पास आपका पासवर्ड भी आ गया हो, सब कुछ आ गया हो और उसके बाद भी आपका अकाउंट तो सेफ है, आपका सब कुछ सेफ है, लेकिन उस अकाउंट से जो हलचल हुई है वो सिर्फ ये हुई है कि डिसलाइक और लाइक किए गए हैं कमेंट्स। अंशु ने ऐसे कोई स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करे। सो, अगर सपना इतनी ज़्यादा इस चीज़ से इम्पैक्ट हुई है तो इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। एक पहलू ये है कि अंशु ने वो नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया होगा, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि सपना ने शक क्यों किया, सपना क्यों विश्वास नहीं कर पा रही है। अंशु ने पैनिक सिचुएशन में फटाफट आके अपना साइड बता दिया, हमें ये चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ, वैसे वैसे हुआ, भाभी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, भाभी और मेरा विश्वास खो चुका है, बहुत घबराई, जिसकी वजह से हम सब ने अंशु के साथ कनेक्ट किया कि इतनी बच्ची को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। लेकिन सपना ने आके अपना साइड अभी बताया ही नहीं कि आखिर क्यों सपना को शक हुआ, सपना ने क्यों विश्वास नहीं किया, ऐसा क्या हुआ था। अगेन अंशु का वीडियो आता है और सपना को इस चीज़ का अपराधी बना दिया जाता है कि सपना की वजह से 14-15 साल की लड़की की क्या स्थिति हो गई है, कितनी वो परेशान हो गई है। सो कहीं ना कहीं तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगा है, और वो तीर ये लगा है कि सपना की वजह से देखो अंशु की क्या हालत हो गई है। अगर हमें पता चले कि हमारी वजह से हमारा कोई दिली जान से रिश्ता जिससे है वो तकलीफ़ में है, तो फिर हम तो हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं, इसकी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है आज से तुम अपने रास्ते और आज से मैं अपने रास्ते, तुम्हारी खुशी मैटर करती है, हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। सो, जिस रिश्ते के लिए सपना भी 3-4 दिन पहले इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हमारे रिश्ते में कभी कुछ भी नहीं हो सकता, हमें कोई कभी भी दूर नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा आप लोगों ने देखा ना, शायद इतनी कॉन्फिडेंट कभी अंशु नहीं थी, लेकिन सपना अंशु को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर 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 कॉन्फिडेंट थी, ओवर कॉन्फिडेंट कि हम दोनों के रिश्ते को कोई हिला ही नहीं सकता, तुम उसे कितने दिन अपने पास रख लोगे, शादी के बाद हम मिलेंगे, मैं इंतज़ार करूँगी और हम इंतज़ार करेंगे। सो प्लीज़ नेगेटिव मत सोचो, सपना कुछ बोल नहीं रही है, खामोश हो गई है, तो इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, वो चुप है तो क्यों है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हो गया, कहाँ है वो हैकिंग अटैम्प्ट की सारी चीज़ें, क्यों किया गया वो हैकिंग अटैम्प्ट, सिर्फ लाइक डिसलाइक करने के लिए। समझने वालों के लिए तो देखिए इशारा ही काफ़ी होता है, और बहुत से लोग इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस समय पे समझदारी सपना को भी दिखाने की ज़रूरत है, और समझदारी यहाँ पे अंशु को भी दिखाने की ज़रूरत है। अंशु की लॉयल्टी पे मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करूँगी, सपना के प्यार पे मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करूँगी, लेकिन अंशु को इस समय पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। कभी कभी सिचुएशन ये आ जाती है कि हम अपनी परछाई पे भी विश्वास नहीं करते हैं, शायद इनकी ज़िंदगी में इस वक्त पे यही सिचुएशन चल रही है कि इनको इस वक्त पे तो अपनी परछाई पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए,
दोनों को ही अपने अपने एंड पे एक्स्ट्रा 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 प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। इतनी जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन सपना के मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं ज़्यादा वरिड हो गई कि सपना ने इतनी क्विकली कोई डिसीज़न ले लिया कि वहाँ से डिलीट, वीडियोस डिलीट, ये सब डिलीट, और ऊपर से व्लॉग भी नहीं बना रही है। अगर व्लॉग नहीं बनाएगी तो फिर अपने बच्चों को पालेगी कैसे? जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस घर की दहलीज पार करी थी ना, ये बोल के कि मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगी, पाल लूँगी, कैसे पाल लोगी अगर हफ्ते में दो दिन भी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाओगी, हफ्ते में दो दिन भी ढंग से काम नहीं करोगी, तो कैसे अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे पाओगी? अच्छी ज़िंदगी देने के लिए तो काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए वीडियोज़ डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर इन्हीं उलझनों में उलझी रहोगी और वीडियोज़ डालोगी नहीं, तो क्या तो कमाओगी, क्या खाओगी, और फिर क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। तीन तीन चार चार दिन में एक वीडियो आता है और उस वीडियो की वजह से इनकी घर गृहस्थी चलती है। ये सब जानते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम यही है। जो पहले की थी वो कमाई तो भूस हो गई, कमाई तो अब फिर से कमानी पड़ेगी, और उसे कमाने के लिए उस जगह पर काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। वीडियो वो बना नहीं रही है, कहाँ है, कैसी है, अजीब तरीके के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। आप जानते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं उसको, आप जानते हो कि माइग्रेन के अटैक्स भी पड़ते हैं, बीपी भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। सो बहुत सारी सिचुएशन इस समय पे ख़राब है, दोनों के लिए डर लगता है, और इस वक्त तो सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इनके रिश्ते को कैसे किसी की नज़र लग गई। आज ऐसा लग रहा है कि नज़र सच में होती है, और कभी कभी लोगों की गंदी प्लानिंग कामयाब भी हो जाती है, गंदी मंशा कामयाब भी हो जाती है। जैसे कि इन दोनों के रिश्ते में, सिर्फ दो दिन पहले ही एक रिश्ते के लिए कोई इतना कॉन्फिडेंट होता है और दो दिन बाद ही वो रिश्ता वहाँ से यहाँ आ जाता है। लेकिन सपना से यही बोलूँगी कि सिचुएशन कुछ भी हो, आपने अपने अराउंड सराउंड बहुत सारे व्लॉगर देखे होंगे जो कितना डेडिकेटली काम करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो YouTube को अपना प्रोफेशन लेके चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें साइड में। YouTube पे काम करना हमारा एक प्रोफेशन होता है, जिस तरीके से जॉब में आपके बॉस आपको छुट्टी नहीं देते हैं ना, अगर YouTube ही आपकी एकमात्र कमाई है तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे पहले रिस्पेक्ट करो, अपने काम की रिस्पेक्ट करो, उन तमाम ऑडियंस की रिस्पेक्ट करो, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करो जो रोज़ आपकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करो जिस प्लेटफॉर्म ने आपको कमाई का साधन दिया है, वहाँ पर डेडिकेटली काम करो। ये आपकी मनमर्जी से चीज़ें नहीं होंगी, ये आपकी जॉब है, इस जॉब को उतनी ही ईमानदारी से करो जितनी ईमानदारी से बाकी लोग करते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम साइड में, लेकिन ये एक प्रोफेशन है और इसको प्रोफेशन की तरह लो, वरना जो बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने का सपना है ना, ये सच में ही सपना रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगी। लोगों का मन का हो जाएगा, आपको पीछे खींचना चाहते थे ना तो खींच लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगी अगर इन्हीं चीज़ों में उलझी रहोगी। एक अच्छा सा कमबैक करो, अगर कोई मानता है तो माने, अगर कोई नहीं मानता है तो नहीं माने। उन तमाम लोगों के लिए काम करो जो आपको प्यार करते हैं और सोशल मीडिया में नेगेटिव पॉजिटिव लगे रहते हैं, और अगर हमें नेगेटिव पॉजिटिव से इम्पैक्ट होने लगे तो फिर हम यहाँ काम ही नहीं कर पाएंगे। मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियन लोगों की मिलियन तरीके की मानसिकता है, हम हर किसी की सोच अपने लिए बदल नहीं सकते हैं। अगर हमारे लिए किसी के दिल में आज गलत सोच है तो हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अपने अच्छे काम से उस सोच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि रातों रात कोई हमसे नफरत करता है और रातों रात हमें प्यार करने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस इंसान को प्यार करने पर मजबूर करना पड़ता है, और वो प्यार करने के लिए मजबूर आप तब कर सकते हो जब आप एक अच्छा साइट, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा वीडियो अपनी तरफ से लेके आते हो, तब आप किसी की भी नफरत को प्यार में बदल सकते हो। तो वो भी एक टास्क होता है। सोशल मीडिया पे अपने हेटर्स को अपने लवर्स में, अपने सपोर्टर्स में कन्वर्ट करना भी एक टास्क होता है, और इस चैलेंज को मुझे लगता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर आज 10 लोग हमें हेट करते हैं तो मेरा उन 90 लोगों को इम्प्रेस करने का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 90 लोग तो ऑलरेडी मेरी फैमिली है, लेकिन उन 10 लोगों की मानसिकता मुझे कैसे बदलनी है अगर मैं ये चैलेंज ले लूँ ना कि उन 10 लोगों की मानसिकता कैसे बदलनी है जो मुझे नापसंद करते हैं। क्या रीज़न है कि वो मुझे नापसंद करते हैं? उस चीज़ पर अगर हम काम करने लग गए तो हम लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, और हर किसी चीज़ को पॉजिटिव लो। लेकिन अगर वाकई में कमेंट्स इतने ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, नहीं संभल रहे हैं, तो फिर अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो,
अपने कमेंट्स में हेल्पफुल रिव्यू डाल दो, सिर्फ उतने कमेंट्स पब्लिक करो जितने कमेंट्स आपको पसंद आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत बहुत सारे लोग जिन्हें नेगेटिव कमेंट्स अपने लिए नहीं बर्दाश्त होते, वो अपना कमेंट सेक्शन हेल्पफुल रिव्यूज़ डाल देते हैं, फिल्टर कमेंट्स आएंगे ना, नेगेटिविटी चैनल पे आएगी ना, आप पढ़ोगे ना आपका दिमाग ख़राब होगा। या फिर कमेंट मैनेज करने का किसी और को काम दे दो, वो आपका कमेंट मैनेज करेगा, आपको कोई कमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना वीडियो बनाओ, अपना काम करो, कमेंट्स वगैरह संभालने के लिए किसी और को बोल दो, छुट्टी। टेंशन से दूर जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बेशर्ते कि हम वो तरीका अपनाना चाहते हों। अगर हम वो तरीका अपना लें तो फिर हम अपनी लाइफ में टेंशन से दूर रह सकते हैं। आई होप कि मेरा ये मैसेज अच्छे से आप समझ पा रहे हो। अब ये समझिए कि पूरी ऑडियंस की तरफ से, जितनी भी ऑडियंस चाहती है कि मैं बोलूँ, उन सब की आवाज़ में मैं यहाँ पे बोलती हूँ, उन सब की आवाज़ बनके मैं यहाँ पे बोलती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि दीदी आप बोलो, मोटिवेट करो, आप ये करो, तो उन तमाम ऑडियंस की आवाज़ बनके मैं ये यहाँ से मैसेज देना चाहूँगी कि नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लो और पॉजिटिविटी के लिए काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ट्रस्ट मी, ऑडियंस का सपोर्ट भरपूर है, भरपूर। उस सपोर्ट से आगे बढ़ो लाइफ में और चीज़ों को पीछे छोड़ दो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का मैसेज बहुत प्यार से मुझे लगता है मैंने अच्छे तरीके से पहुंचा दिया है। अगर और कुछ भी आपका मैसेज है जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपकी ज़ुबान बन के बोलूँ, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफ़िनेटली अपनी वीडियो में वो सब चीज़ें बोलने का ट्राई करूँगी। और किसी दिन मैं एक सेपरेट वीडियो में आप सबके नाम को एक्नॉलेज करते हुए भी वीडियो बनाऊँगी। सो ये वीडियो आज का यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।